आईडीबीआई बैंक का मानना है कि इस साल बैंक के एनपीए में कमी आने की उम्मीद है। आईडीबीआई बैंक के डिप्टी एमडी जीएम यडवटकर का कहना है कि विजय माल्या के मामले में बैंक ने कुछ रकम की रिकवरी की है। हम आपको बता दें कि आज ब्रिटेन की कोर्ट में विजय माल्या के मामले में सुनवाई है। जीएम यडवटकर से खास बातचीत की केतन जोशी ने। सर हमें बताइए कि एनपीए एक बहुत बड़ा मसला है हर बैंक के लिए, तो उसको कंट्रोल करने के लिए आईडीबीआई बैंक ने क्या क्या कदम उठाए हैं? हमने कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस किए हैं एनपीए से रिकवरी करने के लिए और एनपीए का नया फ्लो कम करने के लिए। स्ट्रक्चरल चेंजेस में हमने जो भी एनपीएज है वो एक सेपरेट वर्टिकल तैयार किया है और वहाँ पर एक एक्सक्लूसिव एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर दिया है विद एडिक्वेट स्टाफ, और वो डिपार्टमेंट बेसिकली सभी एनपीएस को हैंडल करेगा। माल्या केस में कुछ रिकवरी भी हुई है और आपको भी कुछ हिस्सा मिला है, तो वो कितना परसेंट है और किस प्रॉपर्टी के अंतर्गत वो हमें मिला है? जो भी प्रॉपर्टीज ऑक्शन हुई थी तो उसमें लीड बैंक ने हमारा जो प्रोपोर्शनेट शेयर था लगभग 12% वो उन्होंने शेयर किया है, तो हमारी भी रिकवरी उसमें हो गई है। सर किसानों की कर्ज माफ़ी को लेकर कई सारे राज्यों में भी एक चल रहा है मुहिम, तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो हर राज्य यही कहेगा कि हमें कर्ज माफ़ी चाहिए, इलेक्शन के समय खास ये मुद्दा उठता है, तो ओवरऑल एक बैंकर के नाते आप इसको किस तरह से देखते हैं? कर्ज माफ़ी तो ऑफकोर्स ये स्टेट का सब्जेक्ट है, लेकिन जैसे आज भी सेंटर ने क्लियर किया है कि जो स्टेट अफोर्ड कर सकते हैं वहीं को कर्ज़ माफ़ी के लिए बारे में सोचना चाहिए। तो बेसिकली जो एक्सपेंडिचर मतलब उसका वेवर का जो भी बोझा है वो हर स्टेट गवर्नमेंट ने उठाना चाहिए, बैंकर्स के ऊपर उसका बोझा नहीं आना चाहिए।